दघा थाना क्षेत्र के सोहगौरा पुल से मंगलवार को एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर युवक की तलाश में जुट गई, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि सोहगौरा नदी में एक युवक ने छलांग लगा दिया, जिसकी सूचना पर गघा पुलिस और एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसपी साउथ ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी में छलांग लगाने वाले युवक की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र के भैरोपुर निवासी रवि रावत उर्फ छोटू के रूप में हुई है, जो कि बांसगांव अपने ननिहाल में आया था। एसपी साउथ ने बताया कि युवक की छानबीन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रयास जारी है और उम्मीद है कि युवक को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, नरेश कुमार रावत। हमको ऐसा सूचना मिला है कि पुल पर से गिर गया है, और हमको तुरंत सूचना मिला तो हम राती रात आ गए। 5 बजे गिरा है और भैरोपुर का रहने वाला है, और इनका ननिहाल है मलौली, और ननिहाल में आया था और ऐसा हो गया। अभी लाश मिली नहीं है। कल ये पुलिस के संज्ञान में सूचना आई कि एक 17 वर्षीय किशोर सोहगौरा पुल से नदी में छलांग लगा लिया है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बांसगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और यहाँ गुरमी में उसका ननिहाल था, वहीं आया था, साइकिल से आया और पुल से उसने छलांग लगा ली। थोड़ी देर तैरा भी, जैसा कि उस चरवाहे ने जिसने देखा था इस घटना को बताया, उसके बाद वो डूबने लगा, तो चरवाहे ने इसकी सूचना किसी के माध्यम से पुलिस को दी। पुलिस भी पहुंची और कल शाम से ही लगातार छानबीन जारी है। हमारी पीएसी की बाढ़ राहत की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला पुलिस की टीम इस छानबीन की कार्यवाही में लगातार लगे हुए हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि युवक को बरामद कर लिया जाए। सर कहाँ कराने वाला था, उसका नाम बता दीजिए। बांसगांव थाना क्षेत्र का, मैंने जैसे बताया, रवि रावत उर्फ छोटू नाम है उसका, बांसगांव के क्षेत्र का रहने वाला है। उसका गांव है बांसगांव में भैरोपुर।